व्हाट इज लुमियन? बहुत से लोग सुनते हैं इसके बारे में कि यार लुमियन सॉफ्टवेयर बहुत सुना है कि यहाँ पर यूज होता है, यहाँ पर यूज होता है। तो होता क्या है लुमियन? तो लुमियन एक वॉक थ्रू का सॉफ्टवेयर है। लुमियन एक वॉक थ्रू का सॉफ्टवेयर है जो कि ऑटोडेस्क कंपनी के द्वारा बनाया गया है। बहुत हाई ग्राफिक्स लगता है इसके लिए। अगर आपके लैपटॉप में अच्छा ग्राफिक्स है, अच्छा इन द सेंस 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड है और 16 GB का रैम है, तो इसको चलाने में बहुत मजा आता है। इतना बेहतरीन और सॉफ्ट सॉफ्टवेयर है कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैंने यूज किया है इसलिए मैं बता सकता हूँ, इसे क्या बताने की जरूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन था सर लुमियन सॉफ्टवेयर कहाँ यूज करते हैं या फिर कहीं पर ओपनिंग देखते हो आप, कैसे सीखेंगे, इन सबसे रिलेटेड। तो चलिए आज का वीडियो जो है, इस वीडियो में लुमियन सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटो कैड स्टैट प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको लेके यूज कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। चलिए थैंक यू, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। लुमियन जो सॉफ्टवेयर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑटोडेस्क कंपनी का है, साथ ही साथ इसके अंदर सबसे अच्छी चीज ये है ढेर सारे टेम्पलेट सेव है। मतलब वाटर का फ्लो दिखाना है कि आपके बिल्डिंग के बाहर से फ्लो हो रहा है, रिवर का साइड है, तो वो उसका टेम्पलेट यहाँ पर ऑलरेडी सेव है। यहाँ पर आपको दिखाना है कि हम जो फॉर्म हाउस बना रहे हैं फॉरेस्ट में बना रहे हैं, तो एक वॉक थ्रू मतलब वीडियो एक ऐसा बनाना है कि फॉरेस्ट में हमारा जो फॉर्म हाउस है, तो फॉर्म हाउस की जो बिल्डिंग है वो रेबिट से तैयार करके लेके आओ, इधर डायरेक्ट इम्पोर्ट कर दो और बगल बगल से आपके पास फॉरेस्ट है ही, आराम से वॉक थ्रू बन जाता है। आपको दिखाना है कि शॉपिंग मॉल के अगल बगल का जो इन्वायरमेंट है कैसा दिखेगा। ऑलरेडी इसके अंदर इन्वायरमेंट मतलब है, इसके अंदर बना हुआ है, सिर्फ उसको लेके आना है इन्वायरमेंट को, अपनी बस बिल्डिंग ले आकर डाल दीजिए, तैयार है। ठीक है, आपको दिखाना है मतलब कि अच्छे अच्छे जैसे होते ना कि मैरिज का कुछ ऐसा दिखाना है व्यू, कैसा ऐसा कुछ दिखने वाला है, इसके अंदर सारे टेम्पलेट्स उसके भी रखे हुए हैं, उनको लीजिए और लेके फटाफट उनको एनिमेशन को लगा दीजिए और अच्छे से हो जाए। आपको दिखाना है कि यार पहाड़ों में है हम, पहाड़ों में छोटी छोटी कुटियाँ बनी हुई है, तो पहाड़ों का पूरा इस टेम्पलेट्स इसके अंदर ऑलरेडी है, सिर्फ लेके आना है और आराम से लगा देना है। बहुत इजी चलता है, सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा विजुलाइजेशन का सॉफ्टवेयर है। तो लुमिया जो सॉफ्टवेयर है getintopc.com से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि सर इसको मुझे सीखना है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक्चुअली सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपको बोलूंगा कि सिखाने को तो मैं सिखा दूं, बट आपके पास हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम चाहिए। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 4GB रैम है, 4GB ग्राफिक्स कार्ड है, 8GB रैम है, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और अगर अच्छा चाहते हो तो 8GB रैम कर दो, सॉरी 8GB ग्राफिक्स कार्ड कर दो और 16GB रैम कर दो, तब जाके ये बेहतरीन चलता है। वैसे जो पीसी में चलाते हैं उनका कुछ अलग ही मजा है, ठीक है, पीसी में चलाइए तो इसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह सबको सेट कर सकते हो। बहुत अच्छा इसके अंदर टेम्पलेट्स हैं, ऐसे ऐसे टेम्पलेट्स हैं कि आपको दिखाना है कि कोई पर्सन आपकी बिल्डिंग के अंदर आएगा तो कैसा दिखेगा उसको व्यू, तो पर्सन भी इसके अंदर है, वो उसको एनिमेट करके दिखा सकते हैं, भाई ये पर्सन ऐसे जा रहा है और जैसे जाते रहे ऐसे दिखेगा। ठीक है, आप एक घर में हो, घर से कार निकालोगे, तो जब कार निकालोगे तो भी कार निकालते टाइम कैसा व्यू रहेगा आपके घर का, अच्छा बादल हुआ रहेगा, तो गाड़ी आपकी आती हुई दिखेगी, आप उस गाड़ी में बैठोगे, बैठकर जाते रहोगे, उस टाइम पे आपके घर का व्यू क्या होगा, मॉर्निंग में आपके घर का व्यू क्या होगा, इवनिंग में क्या होगा, लाइट आ जाएगी तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी तो क्या होगा, हर एक तरीके का इसके अंदर टेम्पलेट्स अवेलेबल, इतने टेम्पलेट्स हैं कि आप यूज करते करते थक जाओगे। अभी नए नए जो वर्जन सारे इसमें बहुत बेहतरीन होते चले जा रहे हैं, सिर्फ जरूरत क्या है हाई कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम की। बहुत जल्दी मैं इस पर एक बैच भी बनाऊंगा और वो बैच आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, करिएगा तो जुलाई के बाद या फिर जुलाई के लास्ट में हम लोग इसको कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे भी और हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम लेना है इसको क्लासेस लगाने के लिए, तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इसलिए मैंने अभी नहीं किया, मैंने कहा थोड़े दिन बात करते हैं और आप लोग भी थोड़ा अच्छा सिस्टम रखने के बाद इसको सीखिएगा तो बहुत अच्छा रहता है। बट लुमियन इस सॉफ्टवेयर जो होता है, अगर वॉक थ्रू की बात करो, वॉक थ्रू की दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर अगर कोई है तो लुमियन है, ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर लुमियन। और ये बीम का सॉफ्टवेयर है, अगर कोई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि बीम के अंदर ही ये सॉफ्टवेयर आता है, बट बीम जब एडवांस लेवल पे आप जाते हो, तो आप लोग अभी जाते होंगे कई जगहों पे, तो वहां पर जब वो बिल्डिंग दिखाते होंगे आप लोग, मुझे फ्लैट लेना है, तो एक वीडियो दिखाते हैं कि आपके फ्लैट में अभी तो बना तो है नहीं, 5 साल बाद पोजीशन मिलेगा, 3 साल बाद पोजीशन मिलेगा, एक वीडियो को थोड़ा दिखा देते हैं कि आपका बालकनी आपकी ऐसे दिखेगी, व्यू आपको ऐसे दिखेगा, सनलाइट ऐसे दिखेगी और लोग ऐसे नीचे आते जाते हुए दिखेंगे, शॉपिंग मॉल सामने दिखेगा और स्टेडियम कुछ इस तरीके से लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, जो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ना वो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट
लूमियन के ऊपर क्रिएट करते हैं। कई ढेर सारे लोग इसका बहुत बड़ा बड़ा चार्ज लेते हैं। ऐसे ऐसे भी एनिमेटर हैं जो 10,000 पर सेकेंड का चार्ज लेते हैं, 10,000 पर सेकेंड, आप इमेजिन करो। हाँ, लेकिन क्वालिटी भी उनकी ऐसी होती है जैसे आपको लगे एकदम रियलिस्टिक चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, 10,000 पर सेकेंड। अब उनके पास कितना होता होगा, सस्ते में भी होता है और लाइक 1000 पे भी लोग करते हैं, 500 पे भी करते हैं, बट जो अच्छे लेवल के हैं उनका चार्ज आपको बताया। तो ये था लुमियन सॉफ्टवेयर, कई लोग कमेंट कर रहे थे, मैंने सोचा चलो आज के वीडियो में लुमियन के बारे में बता देता हूँ कि बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। वॉक थ्रू में जिसका इंटरेस्ट है, जिसका बीम में इंटरेस्ट है कुल मिला के बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग में, वो इस सॉफ्टवेयर को एडवांस लेवल पर अगर सीखना है तो इसको जरूर सीखना है। इससे आपका काम बहुत बेहतरीन होगा, आपका जो पोर्टफोलियो बनेगा बहुत स्ट्रांग बनेगा। क्यों, इससे इसमें रेंडर भी कर सकते हो। हाँ, ये भी बताना मैं भूल गया आपको, आपको अगर रेंडर आपको रेबिट पर अच्छा नहीं दिख रहा है, आपका रेंडरिंग 3ds Max में अच्छी नहीं दिख रही रेंडरिंग फाइल, डायरेक्ट इसके अंदर इंपोर्ट कर दो। क्यों, इसके अंदर पीछे का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा सकते हो, तो बहुत ही अच्छी रेंडरिंग आ जाएगी। और वो रेंडरिंग आप किसी को भी दे सकते हो, तो उसको लगे वो यार कुछ अलग दे दिया इसने, तो बहुत अच्छी रेंडरिंग आती है। और पूरी तरीके से अगर बोला जाए तो वॉक थ्रू की दुनिया में 10 out of 10 में इसको मार्क्स दे सकता हूँ, और अगर रेंडरिंग की दुनिया में बोलूँ तो 10 out of 8 में दे सकता हूँ इसको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। होप आपको समझ आया होगा कि लुमियन सॉफ्टवेयर का काम क्या है।